मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या करने वाले दो हमलावर यूपी के बहराइच के हैं। इसकी पुष्टि बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने की है। उन्होंने बताया एक आरोपी का नाम धर्मराज कश्यप है, दूसरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा है। शिवा फरार है जबकि धर्मराज को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों एक ही गाँव गंडारा के रहने वाले है, घर अगल बगल है, उम्र करीब 18-19 साल है। दोनों पुणे में कबाड़ का काम करते थे। इनका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। एसपी ने बताया कि दोनों ही सामान्य परिवार से हैं, घर वालों के संपर्क में भी रहते थे। पुलिस दोनों के घर पहुंचकर परिवार से बात कर रही है या जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के बारे में परिवार के पास क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका? सुमन। क्या नाम है आपके बेटे का? शिवा। शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम? नहीं, शिवा ना है। अच्छा। उसके ऊपर एक आरोप है कि उसने एनसीपी लीडर की हत्या की है, कुछ जानकारी है आपको? नहीं भैया, हमका नहीं मालूम भवा है। हमका सवेरे मालूम, यहाँ इतना भवा है, सुबह कहा था कि न्यूज देखे थे इमा आवा है। तो भैया हम हूँ पर बीपी में नहीं, हम हाल घड़बड़ाई गए इनके, मतलब का होगा कैसे का हुआ, निगेरा भंगार काम करे पोना तक यू का हुआ। तब से आप लोग सब कोई आवत जा था भैया पुलिस और तुम सब, तब से हमका कोई और सोचने नहीं मिला। कब से वो बम्बई रहते थे? बम्बई नहीं रहत रहा है, पूना रहत रहा, हरीश के दुकान पर इन भंगाड़ के काम करत रहा। लगभग मैं 3 साल से वही आवा जावा करत रहा। मुल अबसिल होलिन के 8 दिन पहले गए, बाद में गए हैं, तब से नहीं आए हैं। आखिरी बार कब बात हुई आपसे? आखिरी बात कही था आज 8-9 रोज से ज्यादा होगी बात भवा रहा है। आपका क्या नाम है? बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक 3 बदमाशों ने वारदात की। तीसरे की पहचान हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंह के रूप में हुई है। 6 साल से पुणे में काम कर रहा था शिवा। धर्मराज को 2 महीने पहले बुलाया। बहराइच पुलिस के मुताबिक शिवा 6 सालों से पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करता था। शिवा ने 2 महीने पहले ही अपने पड़ोसी धर्मराज को भी पुणे काम करने के लिए बुलाया। सुपारी देने वाले व्यक्ति ने शिवा और धर्मराज की गुरमैल की मुलाकात कराई थी। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स पिछले करीब 40 दिनों से मुंबई में रहकर सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। वे 2 सितंबर से कुर्ला में किराए के कमरे में रुके थे। गिरफ्तार हुए दोनों शूटर ने बताया कि उन्होंने बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी की थी। मुंबई पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। सुपारी देकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई गई है। किसने सुपारी दी, कितने की दी, यह अभी भी जांच का विषय है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसको लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। फेसबुक पोस्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया जा रहा है, हालांकि मैं इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता हूं। शुभू लोंकार महाराज फेसबुक यूजर द्वारा पोस्ट डाला गया जिसमें लिखा हुआ है कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं, या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, हमने पहले बार कभी नहीं किया। तो ये थी फेसबुक पोस्ट जिसको विश्नोई गैंग का जो है बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि किसी की भी हत्या होती है तो विश्नोई गैंग का नाम जो है वो सामने आ जाता है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो या फिर बाबा सिद्दीकी हो। इसके पीछे विश्नोई गैंग है या फिर विश्नोई गैंग के नाम पर कोई और ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है, क्योंकि वाई प्लस सिक्योरिटी के बीच जो है वो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक को इस तरीके से मार देना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है।